हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नेम है इकोनॉमिक्स हब। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके सामने रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी के बारे में। तो स्टूडेंट्स देखिए, ज़्यादातर ये टॉपिक आपके बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं। इसमें आपका 1 मार्क्स में और 3 मार्क्स में क्वेश्चंस आपका ज़्यादातर आ चुका है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में, या फिर इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया गया बोर्ड में कि रियल जीडीपी में और नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंसेस हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में आपके सामने यही कंसेप्ट को डिफाइन करेंगे कि रियल जीडीपी क्या है और नॉमिनल जीडीपी क्या है और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, और रियल जीडीपी से हम नॉमिनल जीडीपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे और नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले आपके सामने नॉमिनल जीडीपी को। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा माना जाता है इकोनॉमी के अंदर कि हम जीडीपी को मीजर 2 टर्म्स में करते हैं। एक तो मीजर करते हैं मनी में और एक मीजर करते हैं हम किस में, आउटपुट में। तो स्टूडेंट्स, अगर हम जीडीपी को मीजर कर रहे हैं मनी की फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ मनी, तो वो जीडीपी कहलाती है स्टूडेंट्स नॉमिनल जीडीपी। अगर जीडीपी को स्टूडेंट्स हम मीजर करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ आउटपुट, कि आउटपुट के लेवल से अगर हम जीडीपी देखें कि जीडीपी इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, तो स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं रियल जीडीपी। तो चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्टली डिस्कस करते हैं आपके सामने नॉमिनल जीडीपी को। नॉमिनल जीडीपी क्या है? तो देखिए स्टूडेंट्स, इट रेफर टू ए मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज डेट आर प्रोड्यूस्ड इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी। जो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रही हैं, उनकी मार्केट वैल्यू का सम, उनकी मार्केट वैल्यू का सम पीरियड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर या फिर फिस्कल ईयर, इट इज एस्टिमेट यूजिंग द करंट ईयर प्राइस। जो इसमें स्टूडेंट सबसे मेन पॉइंट है वो है आपका इट इज एस्टिमेट यूजिंग द करंट ईयर प्राइस। जो इसमें मेन पॉइंट स्टूडेंट्स हाईलाइट होता है कि करंट ईयर प्राइस। स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो वो करंट ईयर के प्राइस से मीजर करती है गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को। तो स्टूडेंट्स, इस जीडीपी को, नॉमिनल जीडीपी को हम मॉनेटरी जीडीपी भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज मॉनेटरी जीडीपी, या फिर हम इसको इट इज आल्सो नोन एज करंट ईयर जीडीपी, करंट ईयर प्राइस जीडीपी, या फिर जीडीपी एट करंट प्राइस। स्टूडेंट्स, हम इसको जीडीपी एट करंट प्राइस भी हम इसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी को। ये हो गया आपका इट इज नोन एज जीडीपी एट करंट प्राइसेस। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, नॉमिनल जीडीपी को एक बार अगेन दोबारा, इट रेफर टू अ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज डेट आर प्रोड्यूस्ड इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर या फिर फिस्कल ईयर। जो आपके अकाउंटिंग ईयर में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में, वो कहलाएंगे स्टूडेंट्स जीडीपी, वो कहलाएंगे नॉमिनल जीडीपी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको एक एग्जांपल से भी हम समझते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल भी हमने लिखा हुआ है पहले से ही कि नॉमिनल जीडीपी क्या है। एग्जाम्पल डायरेक्टली क्लियर कर देगा आपका डाउट अभी भी, जो आपका डाउट है नॉमिनल में और रियल में। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट कॉलम में ईयर, कॉमोडिटी, क्वांटिटी, प्राइस एंड जीडीपी नॉमिनल। ईयर में हमने 2011-12 में हमने वीट और क्लोथ, हमने यहाँ पर 2 गुड्स यूज किए हैं। वीट की जो क्वांटिटी कंज्यूम हो रही है स्टूडेंट्स, वो हो रही है कितना, 20 टन, और उसका प्राइस कितना 100 रुपीज़ पर टन, यानी 1 टन का 100 रुपये। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसकी हमने वैल्यू यहाँ से कितनी निकाली, 2000। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्लोथ, क्लोथ की क्वांटिटी कंज्यूम हो रही है 100 मीटर, 100 मीटर कपड़ा खरीदा जा रहा है और उसकी प्राइस कितना, 5 रुपीज़ पर मीटर। तो स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 500, और इन दोनों को हमने प्लस किया तो वैल्यू निकल कर आई जीडीपी नॉमिनल कितना, 2500। स्टूडेंट्स, ये था बेस ईयर का प्राइस। जो अब करंट में चल रहा है ईयर, उसको हम कहेंगे करंट ईयर। जो पीछे जिस ईयर से हम उसको कंपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो कहलाता है आपका बेस ईयर। ये कहलाएगा स्टूडेंट्स आपका बेस ईयर, और ये कहलाएगा करंट ईयर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहां मीजर किया 2018 और 19 के प्राइस से। 2018 और 19 में वीट का प्राइस था 1000 रुपीज पर मीटर। हमने यहां पर क्वांटिटी सेम मीजर की है, लेकिन प्राइस इस बार क्या हुआ, ईयर के चेंज होने से प्राइस में कुछ फ्लक्चुएशंस आए और वो चेंजेस हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए। पहले प्राइस वीट का था 100 रुपीज़ पर टन, अब कितना स्टूडेंट्स, 1000 रुपीज़ पर टन। क्लोथ्स पहले था आपका 5 रुपीज़ पर मीटर, अब कितना, 20 रुपीज़ पर मीटर। तो अब इस साल में 2018 और 19 में अगर हम नॉमिनल जीडीपी को मीजर करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स कितना आएगा,
1000 की 20 मल्टीप्लाई करेंगे 20,000, 20 की 100 मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका 2000। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे कितना आया स्टूडेंट्स 22,000। पहले नॉमिनल जीडीपी थी आपकी 2500 स्टूडेंट्स, अब जीडीपी कितनी आई है 22,000। तो देखिए स्टूडेंट्स नॉमिनल जीडीपी आपकी करंट ईयर के प्राइस को, गुड्स एंड सर्विसेज के करंट ईयर के प्राइस को क्या करती है इंक्लूड करती है, वो करंट ईयर के प्राइस से चलती है आपकी नॉमिनल जीडीपी। तो स्टूडेंट्स ये थी नॉमिनल जीडीपी। तो स्टूडेंट्स देखिए आगे इसमें टॉपिक आता रियल जीडीपी। अभी हमने डिस्कस किया था आपके सामने नॉमिनल जीडीपी, अब देखिए रियल जीडीपी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स देखिए दोनों में एक डिफरेंस अभी हमने आपके सामने अभी हमने क्लासिफाई किया था कि जीडीपी को मीजर टू टर्म्स में करते हैं, एक तो मनी में करते हैं और दूसरा आउटपुट में, आउटपुट कह दीजिए या फिर गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम जीडीपी को मनी में मीजर कर रहे हैं तो आउटपुट कांस्टेंट रहेगा। स्टूडेंट्स अगर हम आउटपुट में मीजर कर रहे हैं तो मनी वहां पर क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी, जो उसका प्राइस है वो क्या रहेगा स्टूडेंट्स कांस्टेंट रहेगा। तो नॉमिनल जीडीपी में हमने क्या देखा, हमने ये कंसेप्ट वहां पर हमें उसमें कंसेप्ट ये आया कि हम जीडीपी को मीजर कर रहे हैं किसमें स्टूडेंट्स मनी की फॉर्म में, तो वहां पर स्टूडेंट्स आउटपुट कांस्टेंट था। अब यहां पर आपके सामने कंसेप्ट आता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में स्टूडेंट्स हम मीजर करते हैं जीडीपी को किसमें आउटपुट में। अब यहां पर क्या होगा प्राइस, जो यहां पर मनी की वैल्यू है उसकी वो क्या रहेगी स्टूडेंट कांस्टेंट रहेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स इसीलिए इस जीडीपी को हम मीजर करते हैं इट इज एस्टिमेट एज द बेस ईयर प्राइस। वो करंट ईयर के प्राइस से मीजर कर रही थी किसकी, वो करंट नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर के प्राइस से मीजर हो रही थी और रियल जीडीपी आपकी बेस ईयर के प्राइस से मीजर हो रही है। बेस ईयर का मतलब है अगर किसी कॉमोडिटी का 10 साल पहले जो प्राइस था आज भी उस गुड्स का प्राइस वही रहेगा सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए इट रेफर टू ए मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों की डेफिनेशन सेम है बस दोनों में डिफरेंसेस किसका है, इट एस्टिमेट यूजिंग द बेस ईयर प्राइस। स्टूडेंट्स रियल जीडीपी को एक कांस्टेंट प्राइस हम लेते हैं, अगर किसी कॉमोडिटी का प्राइस 10 इयर्स पहले 100 था तो हम आज भी उसके प्राइस को 100 ही क्या करेंगे 100 ही मानेंगे हम उसका प्राइस। हम उसको जो मीजर करेंगे उसके आउटपुट से करेंगे कि उसकी कितने क्वांटिटी में एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट हुआ है। तो स्टूडेंट्स देखिए चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं हम आपके सामने एग्जांपल के साथ में। हमने यहाँ पर सेम वही एग्जांपल लिया हुआ है वीट का और क्लोथ का, हमने एग्जांपल लिया हुआ है। ध्यान से देखिए नॉमिनल जीडीपी में प्राइस चेंज हो रहा था, यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट है। यहाँ पर ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स प्राइस आर कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट प्राइस, पहले भी 100 था 2011-12 में और 2018-19 में भी 100 और 5 ये दोनों का, वीट का भी और क्लोथ्स का भी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप आउटपुट देखेंगे तो दोनों के आउटपुट में चेंज मिलेगा। पहले 2011-12 में आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था वीट का 20 टन, अब कितना प्रोड्यूस हो रहा स्टूडेंट्स 30 टन। पहले क्लोथ की कितनी डिमांड थी 100 मीटर, अब कितनी होने लगी 200 मीटर। तो दोनों की जीडीपी में भी स्टूडेंट्स काफी हमें चेंजेस मिले। पहले 2011-12 में जो आपकी जीडीपी रियल जीडीपी कैलकुलेट हुई थी वो हुई थी 2500 और 2018-19 में जो आपकी जीडीपी कैलकुलेट होकर आई स्टूडेंट्स वो आई कितनी 4000। तो स्टूडेंट्स ये आउटपुट से मीजर करता है जीडीपी को, जीडीपी को मीजर करता है किसमें आउटपुट में। इसका मतलब ये है कि आउटपुट इस बार कितना चेंज हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कितना हो रहा है, वो कहलाती है स्टूडेंट्स आपकी रियल जीडीपी। और इसीलिए रियल जीडीपी को इकोनॉमी की बेटर इंडेक्स माना गया वेलफेयर के लिए, पीपल की वेलफेयर के लिए इकोनॉमी के अंदर एक बेटर इंडेक्स माना गया किसको रियल जीडीपी को, क्योंकि वो मीजर करती है आउटपुट से, क्योंकि स्टूडेंट्स वो मीजर करती है गुड्स एंड सर्विसेज में कितना प्रोडक्शन हुआ है कितना मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये थे कंसेप्ट आपके रियल जीडीपी के। अब हम आपको बताएंगे कि रियल जीडीपी को नॉमिनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कैसे चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए आगे इसमें कंसेप्ट आता है आपके सामने कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इंटू रियल जीडीपी एंड रियल जीडीपी इंटू नॉमिनल जीडीपी। तो स्टूडेंट्स देखिए हम नॉमिनल जीडीपी को कन्वर्ट कर सकते हैं रियल को, रियल में भी, और रियल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें नॉमिनल जीडीपी में भी। तो देखिए स्टूडेंट्स दोनों को इन दोनों कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने आपके सामने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दोनों के यहाँ पर
सॉल्व किए हुए हैं, किस तरीके से हम नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट करते हैं और रियल को नॉमिनल में करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले इसमें आप फॉर्मूला समझ लीजिए, दोनों के फॉर्मूले क्या क्या हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। अगर आपके पास में नॉमिनल जीडीपी है, आपको तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं रियल में। आपके पास में रियल जीडीपी है तो स्टूडेंट्स आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, नॉमिनल जीडीपी में। नॉमिनल जीडीपी का स्टूडेंट्स फॉर्मूला यहां पर आता है रियल जीडीपी अपॉन 100 इनटू प्राइस इंडेक्स। आप यहां से भी निकाल सकते हैं नॉमिनल का, नॉमिनल इधर आएगा तो रियल जीडीपी आपका ऊपर चला जाएगा रियल जीडीपी, और प्राइस इंडेक्स उधर जाएगा 100 इसके नीचे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, न्यूमेरिकल फाइंड नॉमिनल जीडीपी व्हेन रियल जीडीपी इक्वल्स टू 240 और प्राइस इंडेक्स आपको दिया हुआ है कितना स्टूडेंट्स, 120। अब देखिए यहां पर इसका फॉर्मूला क्या है नॉमिनल जीडीपी का। नॉमिनल जीडीपी हमें यहां पर फाइंड करनी है। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला है रियल जीडीपी अपॉन 100 इनटू प्राइस इंडेक्स। रियल जीडीपी कितनी है, 240, प्राइस इंडेक्स कितना है स्टूडेंट्स हमें 120, और अपॉन में क्या करना है हमें उसके 100। तो स्टूडेंट्स कैंसिल करके वैल्यू यहां पर आई आपकी कितनी, 288 स्टूडेंट्स। ये आई आपकी नॉमिनल जीडीपी, ये आई आपकी नॉमिनल जीडीपी। अब देखिए इसी नॉमिनल जीडीपी को, 288 को हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं रियल जीडीपी में। रियल जीडीपी अगर हमें निकालनी पड़ जाए, कन्वर्ट करनी पड़ जाए, तो किस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको कन्वर्ट करेंगे। यहां देखिए रियल जीडीपी फाइंड करनी है, नॉमिनल में हमने एग्जैक्ट लिए कितना 288 और प्राइस इंडेक्स भी हमने यहां पर सेम लिया है स्टूडेंट्स कितना 120। अब इसको इस फॉर्मूले में रख दीजिए जो आपको रियल निकालनी है। नॉमिनल कितनी है, 288 अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100 और इसको कैंसिल करने पर स्टूडेंट्स आपकी रियल जीडीपी आ गई कितनी, 240। ये आ गई आपकी रियल जीडीपी। तो देखिए स्टूडेंट्स दोनों का आंसर बिल्कुल टैली कर रहे हैं, रियल भी और नॉमिनल भी। तो देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं रियल जीडीपी को नॉमिनल में और नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में। तो स्टूडेंट्स देखिए आगे इसमें कंसेप्ट आता है जीडीपी डिफ्लेटर। अभी हमने आपको बताया कि रियल जीडीपी को नॉमिनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और नॉमिनल को रियल जीडीपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपके पास में दोनों हैं, रियल भी है और आपका रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दोनों गिवन है, और वहां से आपको प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए वो कहता क्वेश्चन में कभी वो, तो आप देखिए प्राइस इंडेक्स को वहां पर कैसे वहां पर आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्राइस इंडेक्स को हम जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं। प्राइस इंडेक्स को हम स्टूडेंट्स जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर, या हम जीडीपी डिफ्लेटर को ये कह सकते हैं इट इज आल्सो नोन एज प्राइस इंडेक्स। अब देखिए प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इट रेफर टू अ रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में और रियल जीडीपी में कितना रेशियो, कितने रेशियो से वो चेंज हुए, कितने रेशियो के प्राइसेस से वो चेंज हो रहे हैं दोनों, तो स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं आपका जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का स्टूडेंट्स यहां पर फॉर्मूला भी है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। अभी हमने आपको नॉमिनल जीडीपी से रियल में कन्वर्ट करके दिखाया था और रियल को नॉमिनल में कन्वर्ट करके दिखाया था। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसी एग्जाम्पल से हम यहां पर प्राइस इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, वहां पर नॉमिनल जीडीपी कितनी थी, 288, और रियल जीडीपी कितनी थी, 240। प्राइस इंडेक्स उसका कितना था, 120, जो हमने आपस में दोनों को कन्वर्ट किया था। अब देखिए स्टूडेंट्स आंसर किस तरीके से आता है, नॉमिनल जीडीपी 288, रियल जीडीपी 240 इनटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल की, 288 को डिवाइड किया 24 से 12 टाइम्स और 12 की 10 में करा स्टूडेंट्स 120। ये क्या आ गया आपका स्टूडेंट्स, प्राइस इंडेक्स। तो ये था आपका स्टूडेंट कंसेप्ट ऑफ नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी एंड प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स को हम जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।